हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे अल्ट बालाजी ऐप पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द मैरिड वुमन। इसमें फिलहाल आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 26 मिनट से लेकर 35 मिनट्स के बीच में है। और कहानी शुरू होती है 1986 से, जहां पर हमें नजर आती है आस्था। ऑब्वियसली वो एक मैरिड वुमन है। शादी होने के कुछ साल तक आस्था की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आते हैं, कैसे आस्था को लगता है कि उसके हस्बैंड को जो प्यार है उसके लिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है या उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा जिसकी वो हकदार है या वो जो डिजर्व करती है, तो उसके बाद आस्था की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर सीरीज। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि पुराना है। ऑब्वियसली इस पर आपने बहुत सारी मूवीज पहले देखी होगी अगर आप लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट पर मूवीज देखना पसंद करते हो तो। लेकिन यहाँ पर जो एक एंगल है, अभी स्पॉइलर की वजह से मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसको इतना डीपली वे में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और सीरीज को एग्जीक्यूट किया ना कि वो पुराना कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ये सीरीज आपको अच्छी लगती है। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए चार कैरेक्टर्स हैं, आस्था, हेमंत, पिपलिका और एजाज। अब इन चारों कैरेक्टर को इस शो में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। और कहीं ना कहीं जब आप चारों कैरेक्टर को इस शो में देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि यार जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो यार इस तरह के लोग डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। और इसी वजह से मैं इन चारों से इजीली कनेक्शन भी बना रहा था। शो की सिनेमाग्राफी मुझे अच्छी लगी, काफ़ी कलरफुल शो लगा मुझे। BGM एकदम परफेक्ट है, और स्पेशली जो इसके सॉन्ग्स हैं, जब वे उन सिंगर्स ने उन सॉन्ग्स को गाया है ना यार, सुनकर एक अलग ही फीलिंग आती है आपको और मज़ा आ गया। और मेन हाईलाइट ऑफ द शो इज़ द परफॉर्मेंस। ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन हिज रोल brilliantly, एकदम रियलिस्टिक वे में परफॉर्मेंस किया है। चाहे वो यार इमाद शाह हो, आई थिंक इमाद शाह नाम है उनका, नसरुद्दीन शाह के लड़के शायद हो, उनका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के वो कुछ ही एपिसोड्स में हमें नज़र आते हैं, लेकिन द वे ही टॉक्स, एक डेप्थनेस आप फील कर पाते हो एकदम, मतलब ऐसा लगता है कि यार बंदा दिल से बोल रहा है हर एक डायलॉग्स को, और वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और रिधि डोगरा जिसने अपना मेन रोल प्ले किया है यार, एक ऐसी वूमेन को उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया है जिसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती है। तो उस वक्त जब उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होते हैं या वो जिस तरह से डायलॉग्स बोलती है या जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, एकदम परफेक्ट रिधि डोगरा ने यहाँ पर प्रेजेंट किया। उसके अलावा आई थिंक जो दूसरी एक्ट्रेस, उसका नाम शायद मोनिका डोगरा, तो उनका जो रोल था यहाँ पर एक ऐसी लेडी जो बिंदास है, बोल्ड है, और मुझे पर्सनली उनका काम भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और जिसने यहाँ पर हेमंत का रोल प्ले किया, उन एक्टर का नाम यार एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा, ही ऑल्सो डन अ फैबुलस जॉब यार। मतलब ईच एंड एवरी एक्टर आपका दिल खुश कर देगा और इनके परफॉर्मेंस की वजह से आप ये शो को और भी इंटरेस्टिंग वे में देखना पसंद करोगे। शो की अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे तो सबसे पहले जो 10 एपिसोड है जो कि मेरे हिसाब से वर्थ वॉच नहीं है, 8 एपिसोड होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि फालतू की चीज़ें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ एपिसोड में ड्रैग की गई जो अननेसेसरी लगती है। और मज़े की बात यह है कि ये शो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इसका सीज़न 2 हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो अफसोस होता है कि यार अगर 8 एपिसोड में सीज़न 1 ख़त्म कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। आज की तारीख में तो सब कुछ लीगल हो गया हमारे इंडिया में, ये शो ऑब्वियसली 80s 90s के दौर का जब ये सारी चीज़ें लीगल नहीं थी, तो उस वक्त जो लोगों की सोच थी चीज़ों को लेकर और अब जो लोगों की सोच है उस हद तक बदली है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सबका अपना अपना ओपिनियन है कि वो किस तरह से किसके साथ कैसे रहे, ये हम लोग नहीं हो सकते डिसाइड करने वाले। आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों पर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अलावा मैं बोलना भूल गया कि इस शो में आपको हिंदू और मुस्लिम का भी एंगल देखने को मिलता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी रिलीजन को गलत नहीं बताया, सारा दोनों को ही एक जैसा ही बताया है, क्योंकि अगर हिंदू लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो मुसलमान लोग भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एजाज का कैरेक्टर है वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है, तो उसको जितना खतरा हिंदुओं से उसको उतना खतरा मुस्लिम लोगों से भी है। और वो एक डायलॉग एक सीन में वो बताता भी कि मुझे हिंदुओं से भी खतरा और अपने मुस्लिम लोगों से भी खतरा है, क्योंकि इजाज की जो सोच है वो एक फ्रीडम वाली सोच है, एक खुले माइंड वाली सोच है, यानी कि उसकी सोच नैरो नहीं है, तो इस वजह से उसी के मजहब के लोग जब उसको रोकना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर बताइए। तो अगर आप कोई ऐसा बोलेगा कि यार इसमें हिंदू धर्म को गलत बताया, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर दोनों ही धर्म के बारे में चीज़ें बताइए, और अभी कितनी सच है कितनी गलत है यह मुझे नहीं पता। एक शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखता हूँ, ये शो एंटरटेनिंग था। यस, इसका सीजन 2 आएगा। पेरेंटल गाइडेंस के लिए तो इतना ही बोलूँगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। लिंक्स की बात करेंगे तो 7 out of 10। अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर शोज देखना तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप लोग को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है भाई, उसमें कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ
मतलब ही नहीं बनता, नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।